सभी साथियों को गुड इवनिंग। देखो हम निरंतर करीबन अगर हम देखें तो एक साल से ज़्यादा हम निरंतर पद वृद्धि के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। और आज हम अगर कुछ एक दो महीने से देखें तो हमने 5 जून से हमने जो बात रखी थी वो थी क्रमिक भूख हड़ताल की, ठीक है। और हमने क्रमिक भूख हड़ताल रखी लेकिन उससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो हमने फिर आमरण अनशन हमने 5 जुलाई से आज तक मतलब वो कंटिन्यू रहा। आज कितनी तारीख है आप सोच सकते हैं, मतलब 5-6-7 दिन तक रहा वो। अब क्या था, 6 दिन हो गए थे, अब 6 दिन तक कोई भूखा रहेगा तो उतना तो बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो आज विपक्ष की तरफ से आमरण अनशन तोड़ा गया क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और अगर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती, अगर कुछ नेगेटिव कुछ हो जाता तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होता था। तो आमरण अनशन टूटा है आज, लेकिन अपना लक्ष्य के प्रति उद्देश्य, ठीक है, जो अपना उद्देश्य होता है कि हमें लक्ष्य तक जाना है वो, और अपना जो प्रयास अपनी जो मेहनत है वो कंटिन्यू है। अभी सिर्फ आमरण अनशन के लिए तोड़वाया गया है, बाकी अपनी जो मेहनत है पद वृद्धि के लिए वो निरंतर जारी रहेगी। हम निरंतर आंदोलन करते रहेंगे और धरना स्थल भी अपना बन चुका है, अपने लिए माध्यम बन चुका है वहाँ रहने का, रुकने का सब। तो सभी अभ्यर्थी एक एक दो दो करके वहाँ पर निरंतर बने भी रहेंगे। अब हमें क्या करना है, हम जब भी 8-10 दिन बाद या 5-6 दिन बाद जो भी अपना डेट रखेंगे उस दिन हम बड़ा आंदोलन करेंगे, महा आंदोलन करेंगे। और हमारा जो मूवमेंट है वही मूवमेंट रहेगा और हर 8-10 दिन बाद अच्छा सा आंदोलन करते रहेंगे और अपनी जीत तक अपन लक्ष्य को लेके जाएंगे। मैं ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी कुछ कहता रहे हम अपने लक्ष्य से एक सेकंड भी नहीं भटक सकते, क्योंकि हमने जब अपना लक्ष्य 51,000 रखा है, हमारी मांग हमने रखी है, तो हम उसको अंत तक ले जाएंगे और उसके लिए निरंतर मेहनत करेंगे। तो सभी को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये था कि हम क्रमिक भूख हड़ताल पर 1 महीने से थे, हमने 5 जुलाई को फिर आमरण अनशन रखा कि इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़े, उसके बाद ही प्रभाव रहा, ऐसी बात नहीं। हम CM हाउस तक बात गए और हर इंटरनेशनल मीडिया पे हर दिन आवाज़ उठाई, आप सभी ने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया पे अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से, और पूरे इंडिया में हाईलाइट है अपना मुद्दा। पूरे इंडिया में सिर्फ 51,000, बहुत बहुत से संगठन हमसे मिलने आते हैं कि आपका मुद्दा सबसे आगे है, और विधानसभा में भी अपना जो 11 तारीख को कल है अपना मुद्दा उठाया जाएगा 100%, ठीक है। तो कोई डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आज के जो आमरण अनशन जो कांग्रेस की तरफ से जो तोड़ा गया था विपक्ष की तरफ से, तो हमने उसको वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि सबके अंदर ये निगेटिविटी जाती थी कि आमरण अनशन के लिए आमरण अनशन तोड़ा गया। तोड़ने का अर्थ है आमरण अनशन तोड़ा गया है और लक्ष्य के प्रति थोड़ा भटके हैं अपन। हमारा उद्देश्य यही रहेगा, अपने 51,000 के लिए अपन लड़ेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे और अपनी जीत होगी। हमने उद्देश्य एक ही बनाया कि हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सभी को डीमोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अब क्या हमें प्रोसेस क्या करनी है कि निरंतर हमें धरने पर आते रहना है, दो चार लोग निरंतर बने रहें, और हम जल्दी ही 8-10 दिन बाद या 7-8 दिन बाद जल्दी बहुत डेट रखेंगे और सबको एक्टिव मूड में रहना है, और हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे फिर, ठीक है। और हर दिन बड़ा मीडिया लेकर आएंगे और उसके बाद अपने उच्च स्तर पर रखेंगे। तो सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जब ठान रखा है मैं उद्देश्य तक जाऊँगा, लक्ष्य तक जाऊँगा और उस उद्देश्य को पूरा कर कर ही रहेंगे। भले सरकार कितनी पद वृद्धि करे लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ 51,000 है, रहेगा और उसे करवा कर रहेंगे, ये अपने प्रण ले रखा है, ठीक है। किसी को डीमोटिवेशन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम उद्देश्य 1% भी नहीं भटकने वाले हैं। तो आपके अंदर जो आज का जो निगेटिविटी, कुछ लोगों को, बहुत से लोगों ने अपने अपने चैनल पर वीडियो बना के डाल दिया कि आज आमरण अनशन तोड़ा गया, आमरण अनशन तोड़ा गया है, लक्ष्य नहीं तोड़ा गया है, लक्ष्य तक हम जाएंगे और वहाँ पहुँच कर रहेंगे, ठीक है। और तो हम सभी को एक्टिव रहने की ज़रूरत है, जब भी किसी को दो दो चार चार लोगों को धरने पर चल पहुँचते रहना है और वहाँ पर अपनी बात रखते रहना है। और रही बात उसकी कि पद वृद्धि की, तो सभी को 51,000 के लिए आगे आना, जल्दी डेट डिसाइड करेंगे और सभी लोग तब एक्टिव रहें, ठीक है। हम 8-10 दिन में कभी भी डेट रखेंगे तभी आप एक्टिव रहें, ठीक है। और हम अपनी जीत होगी 100% होगी, मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि जब तक अपनी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और उसे पाकर रहूँगा, ये मेरा उद्देश्य है और ये पूरा करके रहूँगा, ठीक है।